नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की स्फीतियाँ, जैसे मुद्रा स्फीति, अवस्फीति, संस्फीति, विस्फीति, चलन स्फीति, आयातित स्फीति एवं मांग जनित मुद्रा स्फीति। पहला टॉपिक हमारा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक में परिवर्तन की दर को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। किसी भी कीमत में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहेंगे। जब निरंतर और दीर्घकालीन के लिए अगर कीमतें बढ़ती है तब हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 2-4 दिन के लिए जो कीमतें बढ़ती हैं उसे हम मुद्रास्फीति में शामिल नहीं करते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है बढ़ती हुई कीमतें न कि ऊंची कीमतें। दोनों में अंतर होता है। बढ़ती हुई कीमतें का मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं। ऊंची कीमतों का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऊंची कीमतें। तो ध्यान रखें, मुद्रास्फीति का मतलब कतई यह नहीं है कि कीमतें ऊंची हैं, बल्कि कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा पॉइंट है अपना अवस्फीति, डिफ्लेशन। यह है मुद्रास्फीति का विलोम होती है। इसके अंतर्गत कीमत स्तर में निरंतर कमी होती है। मुद्रास्फीति में तो कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन अवस्फीति में क्या हो रहा है, कीमत स्तर में निरंतर कमी होती जाती है। तीसरा है संस्फीति, रिफ्लेशन। इसके अंतर्गत कीमत जानबूझकर बढ़ाई जाती है। इसके अंतर होता क्या है कि अवस्फीति को दूर करने के उपायों के परिणाम स्वरूप जब कीमतें बढ़ती हैं, ध्यान दें, जब अवस्फीति को दूर करने के उपायों के परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ती है तो उसे हम संस्फीति या रिफ्लेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत कीमतें व उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है। फिर है विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को दूर करने के उपायों के परिणाम स्वरूप यदि कीमतों में कमी होती है तो उसे हम विस्फीति कहते हैं। चलन स्फीति, जब देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो उसे हम चलन स्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण अगर कीमतें बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे, चलन स्फीति। ऐसा क्यों होता है कि केवल अगर मुद्रा की मात्रा ही बढ़ेगी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगली आयातित स्फीति, आयातित वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण जो स्फीति उत्पन्न होती है उसे हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसा कब होता है कि मान लीजिए विश्व मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो पेट्रोल के दाम विश्व मार्केट में बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन उसके कारण हमारे देश में भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्फीति को हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब देश में मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि हो तो उसे हम कौन सी स्फीति कहेंगे, मांग जनित स्फीति, क्योंकि ये मांग में वृद्धि के कारण हुई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी प्रकार मुद्रास्फीति या स्फीति के हैं। स्फीति के अलग अलग प्रकार लिए हैं हमने, तो इसमें मुद्रास्फीति, अवस्फीति, संस्फीति, विस्फीति, चलन स्फीति, आयातित मुद्रास्फीति एवं मांग जनित स्फीति को हमने देखा। धन्यवाद।